दिल्ली पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को विदा कर रहे हैं। हरियाणा के एग्जिट पोल भी यही बात साबित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता की चिंता है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए कानून देश में आतंकवादियों की फंडिंग को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने ऐसे फैसले सुनाए जिससे पीएमएलए की धाराएं कमजोर हो गई। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से इनकी ताकतें कम हो रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वे तो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो संजीव अरोड़ा जी के यहाँ रेड पड़ी, वे हरियाणा के एग्जिट पोल की वजह से हुई। हरियाणा में लोगों ने इनकी विदाई तय कर दी है। आज नरेंद्र मोदी को देश में महंगाई और बेरोजगारी की चिंता नहीं है। आज देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कब 75 साल के हों और उनकी विदाई हो। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और हमारे नेताओं को खत्म करने के मकसद से प्रधानमंत्री के तोता मैना ईडी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी के यहाँ रेड की है। ये रेड किसी भ्रष्टाचार की वजह से नहीं बल्कि संजीव जी के आम आदमी पार्टी के सदस्य होने की वजह से की गई। नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के चुनाव में नहीं हरा पा रहे तो ऐसी हरकतें की जा रही है। 100 न्यूज की रिपोर्ट।